उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है, जहां एक ओर कांग्रेस दावा कर रही है कि 2022 में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह देवस्थानम बोर्ड को समाप्त कर देगी। नहीं, नियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि यह एक्ट की जरूरत नहीं थी। मंदिर समिति यात्रा को सुचारू रूप से चला रही थी, सारे काम व्यवस्थित ढंग से हो रहे थे, सरकार की नियत चारधाम यात्रा के पैसों पर थी। अभी कहा ना आपसे, ये ऐसी सरकार है कि जिस तबके के लिए एक्ट लाना चाहती है वो तबका कह रहा है कि हमें चाहिए ही नहीं एक्ट। ये किसके लिए उस एक्ट को लाना चाहते हैं? देखिए, यात्रा की व्यवस्था संबंधित कमेटियां सुचारू रूप से चला रही थी। बद्रीनाथ में बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों का प्रबंधन देखती है। गंगोत्री में अलग कमेटी है, वो वहां दर्शन का प्रबंधन देखती है। इसी प्रकार यमुनोत्री में अलग कमेटी थी जो कि वहां का प्रबंधन देखती थी। तो प्रबंधन से संबंधित लोगों के लिए तो एक्ट लाए नहीं है। दूसरा, जो हमारा पुरोहित समाज है, पंडा समाज है, उनको पूछा नहीं गया। देखिए, ये सरकार ये समझने में बुरी तरह नाकाम रही है कि ये सरकार उन मंदिरों से बद्रीनाथ केदारनाथ की तुलना करती है जो मंदिर इस 50 साल या 40 साल में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए हैं। उन मंदिरों में हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धामों में बहुत अंतर है। ये हमारे मंदिर बहुत अतीत में आदि शंकराचार्य जी के स्थापित किए हुए मंदिर हैं जो कि उनकी परंपरा से चलते हैं और उस परंपरा का संबंध आस्था से है। समझ गए आप? उदाहरण के लिए कि पंडित जी को दक्षिणा देने के बाद पैर छूना, ये परंपरा है। लेकिन अगर एक्ट बन जाए कि आप पंडित जी को नहीं ले जा सकते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, तो ये हमारी आस्था में बाधा है ना। मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वही है, हमारी वहां जो परंपराएं हैं, अतीत से चली आ रही परंपराएं हैं, उनमें छेड़छाड़ हुई है और इसके लिए हमारा पुरोहित समाज बहुत नाराज है। तो मैंने यही कहा कि भाई, सरकार ऐसे नियम बना रही है जो लोगों को चाहिए ही नहीं। जहां तक दर्शन जो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो पहले भी दर्शन करते थे, आज भी दर्शन कर रहे होंगे, उनके उनके ऊपर इस एक्ट का कोई सरकार की जो नजर है, जैसे कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुना भी होगा, नजर पैसे पे थी कि वहां बहुत पैसा है, उसका आकलन कर लेते कि भाई वहां कितना पैसा है। मैं जब बद्रीनाथ समिति में अध्यक्ष के रूप में आया तो वहां वार्षिक आय 6-6.5-7 करोड़ रुपए के आसपास थी। और मुझे इस बात को कहने में खुशी होती है कि जब मैं वहां से अध्यक्ष के रूप में विदा हुआ, ये होता रहता है, वो अलग सब्जेक्ट है कि सरकार ने मुझे बर्खास्त किया फिर मैं कोर्ट से जीता, वो अलग सब्जेक्ट है, उसको आज इसमें शामिल नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं वहां से अध्यक्ष के रूप में विदा हुआ, उस समय उस समिति की आय 40 करोड़ के आसपास थी, तो बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का ये परिणाम होता है कि वहां पर बड़े सुधार हुए। तो सरकार को डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं रोक रहा है, सरकार उन धामों का डेवलपमेंट करे, उसमें कोई नहीं रोक रहा है। केदारनाथ में आपदा के बाद हरीश रावत जी की सरकार ने डेवलपमेंट के काम किए, कोई समिति ने नहीं रोका, कोई पुरोहित समाज ने नहीं रोका। लेकिन उनके हक हकूकों को जानबूझकर छेड़छाड़ करके इस नियत से कि यहां से सरकार को आमद होगी, ये निंदनीय है और इसको हम स्वीकार नहीं करें। वही बीजेपी सरकार का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड किसी भी पांडा समाज तीर्थ पुरोहित हक हकूक का आहित नहीं करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूरी तरह से सजग है, किसी भी हक हकूक दारियों को सरकार नाराज नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि इसको लेकर सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और यह हाई लेवल कमेटी सबकी बात को सुनेगी, जिनको जो आपत्ति है उनका निस्तारण करेगी और उसके बाद ही बोर्ड का काम आगे चलेगा। देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर हमने सभी से बात करने के बाद और उसमें जितने भी लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने जिनके बात आई थी कि चाहे वो हमारे वहाँ पर रहने वाले हक हकूकधारी हों, पंडे रावल, उससे प्रभावित होने वाले लोग, हमने कहा है कि हम एक हाई पावर कमेटी हम उसके लिए बना रहे हैं और हाई पावर कमेटी सबकी बात सुनेगी, जिनको जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण करेगी और उसके बाद ही जो है बोर्ड का काम आगे चलेगा।